राम जी काम हो जा रही है, मैं जा भी रही ऐसी बगत कट रहा है, तो आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक, वो भी स्कूटी पे। बहुत टाइम बाद मैं स्कूटी चलाऊंगा इतने लॉन्ग रूट पे। नॉर्मल तो चला लेते हैं आसपास में, लेकिन आज जा रहे हैं चांदनी चौक, गाड़ी लेके नहीं जा रहे। मौसम अच्छा है, बारिश हुई थी, तो मैंने सोचा आज चलते हैं, क्योंकि कुछ शॉपिंग करनी है लड्डू गोपाल जी के लिए, और अभी यहाँ पे तैयार हो रही है जाने की। तो कैसे तैयार हो रहे हैं? आरुष को हम लेके नहीं जा रहे, पड़ रहा है। आरुष चलेगा तू? इसका काम ही पूरा नहीं हुआ तो जाएगा कैसे? हैं, स्कूल की छुट्टी कर ली तो उसका इतना ज़्यादा काम पेंडिंग हो गया, कोई नहीं जा रहा। रिया इसके चक्कर में नहीं जा रही। बारिश हो रही है, अभी बज गए 5। पहले हेलमेट लगा लेते हैं, आज स्कूटी भी जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कोई पुलिस वाले हमें रोक ले तो हेलमेट लगा भी लिया, इतना लगा लिया। दिल्ली में कांवड़िया आ चुके हैं हम, क्योंकि 26 तारीख की शिवरात्रि है और कितनी भारी भारी कांवड़ लेके जा रहे हैं, और हम पहुंच गए हैं बाहर स्कूटी के पास। तो फाइनली पहुंच गए लाल किले। आगे कट बंद कर दिया इन्होंने, अब हमें थोड़ा आगे से लेके आना पड़ेगा यार कट। फाइनली पहुंच गए हम चांदनी चौक। अभी कैसा लग रहा है चांदनी चौक पहुँच के? पता नहीं कैसा लग रहा है, इसको तो बता ही नहीं रही। और सामने मैकडी और भीड़ और गर्मी बारिश के बाद भी, तो बारिश होने के बाद भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, गर्मी है, दोनों ही है ना। बारिश के बाद भीड़ भी चली जानी चाहिए ना, वो भी नहीं गई, वो भी मिल गई और भीड़ भी मिल गई और गर्मी मिल गई। देखिए ये आ गए यहाँ पे वर्ल्ड फेमस जलेबी वाले देशी के, जो हम थोड़ी देर में खाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं जो यहाँ गर्मा गर्म जलेबी तली जा रही है, किनारी बाजार, और इसमें मिलेंगे लड्डू गोपाल जी की पोशाकें और काफी चीजें मिलती हैं यहाँ पे। और ये शॉपिंग, काफी टाइम लग रहा है शॉपिंग में कराने में। तो यहाँ देखो शॉपिंग हो रही है, तब आके शॉपिंग की जा रही है लड्डू गोपाल जी के लिए, ठाकुर जी के लिए। ये भी अच्छी है भाई, पता नहीं कितनी शॉपिंग करेगी। रूप कला से यहाँ पे इन्होंने शॉपिंग कर ली है, किनारी बाजार चांदनी चौक। तो कब अंधेरा हो गया पता नहीं लगा। बढ़िया शॉपिंग कराई, नहीं कराई मैंने तो, बढ़िया करा दी ना, तो बढ़िया शॉपिंग करा रहा लड्डू गोपाल जी के लिए। ये देखो, ये देखो यहाँ पे कितने सुंदर युगल सरकार हैं, तो आप शॉपिंग कर सकते हैं इस मार्केट में, काफी अच्छा सारा सामान है और वैरायटी भी काफी सारी है। सही है, मेरा झूला देखो बड़े वाला देखे कह जाए, ये तो बढ़िया लग रहा है बड़ा। कितने का जी? 15,000 रुपए का झूला है, बढ़िया। लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लो आप, लड्डू गोपाल जी बैठे कितने सुंदर, देखिए मतलब लड्डू गोपाल सरकार की जोड़ी कितनी अच्छी। उनके हाथ में लड्डू नहीं होता, और ये अंकल मिलेंगे आपको। क्या नाम है अंकल शॉप का आपकी? प्रेम कलेक्शन, किनारी बाजार चांदनी चौक। और अंकल इनका क्या साइज है? ये वाले जो रखे हुए हैं मोबाइल सरकार, इनका क्या साइज है? ये जो कौन सा वाला, ये 12 इंच। तो देखो लाला देख रहे हैं अभी, लाला जी देख रहे हैं, लाला जी लड्डू गोपाल जी, लाला जी लाला ही लड्डू नहीं है ना इनके हाथ में, इसलिए अच्छा लाला जलेबी खाएंगे देसी घी की, बढ़िया चांदनी चौक की। भैया जलेबी दे रहे 100 ग्राम, 100 ग्राम जलेबी। हाँ जी, तो मौत चांदनी चौक में चल गए जलेबी यहाँ पे देसी घी की। बोलना क्या है, बढ़िया लगेगी खानी, खाओ जलेबी। तो अब यहाँ पे आए जलेबी तो खाएंगे ही ना यहाँ की, और क्या खाओगे? नहीं ना जलेबी, उसके बाद पहले जलेबी, उसके बाद जलेबी खानी। शॉपिंग पे शॉपिंग, खड़े तेरे बाल कैसे हो गए चिपकू चिपकू? वो हेलमेट से हो गए ना, हेलमेट जो पहन रखा था इसलिए।
चांदनी चौक में अभी जल गई लाइटें, अंधेरा हो गया है, लग रहा है घटा बारिश। हाँ घटा बारिश हो रही है, मजे आ रहे हैं इसको तो, उसको क्या शॉपिंग कर रही है और हम करा रहे हैं, पता नहीं क्यों करा रहे हैं भाई, क्यों करा रहे हैं मुझे तो करनी नहीं, यहाँ भीड़ लग रही है, नहीं मुझे नहीं करनी। अबे रिक्शा विक्शा वाले आगे, आप स्कूटी भी नहीं ला सकते, अपनी गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, अब यहाँ से रिक्शा चलती हैं और उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है लाल पत्थर यार, मुझे तो ये बता रहे थे चांदनी चौक में। आगे हम गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक में, गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक, और ये देखें यहाँ पे भंडारा भी लगता है इनका, तो अभी कर लेते हैं अंदर दर्शन एक बार। चलो क्या बोले बाबा, ये हो भगवान की जय, महाकाल शंभु की जय। कृष्ण भगवान के दर्शन कीजिए आप। देखिए वहाँ पर नंदी जी बनाई है नीचे, और ये भोले शंकर जी, ये पहाड़ बना, और ऊपर गंगा माँ। तो ये आपको मिलेंगे गौरी शंकर टेम्पल चांदनी चौक। फाइनली दर्शन कर लिए हमने गौरी शंकर भगवान जी के मंदिर में, और अभी हम निकलते हैं, और बारिश भी हो गई है और बहुत भीड़ है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। चांदनी चौक आए थे तो दर्शन तो बनते ही हैं। फाइनली पहुंच गए हम अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपनी मार्केट, अपने घर के पास, और फरमाइश है कि खाना बाहर ही खाना है, तो आगे हम पप्पू की टपरी, रिया और रौनक का वेट कर रहे हैं, अभी आ ही रहे होंगे वो। तो आरुष आ चुके हैं यहाँ पे, नमस्ते नमस्ते आज। तो रिया आ चुकी है, देख ले रिया तेरे पास होने की खुशी में हम तेरे को पार्टी दे रहे हैं, क्योंकि रिया के 33 नंबर परसेंट आए हैं, नहीं 80% आए हैं, तो मैंने सोचा चलो आज रिया को डिनर कराया जाए। हाँ भाई बोल, इंतजार करता पार्टी। क्या पनीर टिक्का और मलाई मोमोज, और जो चाइनीज प्लेट रहा वो कौन का आएगा रिया, मंचूरियन और हाँ सर, अगर नहीं खाए तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, अगर पूरा नहीं खाया तो देख लो। और ये तो दाल का ही, मसूर की ना, मसूर की या चने की, चने की, चने की दाल खा लिया ठीक। देखो रिया के लिए पनीर टिक्का और चाइनीज प्लेटर भी आ चुकी है, और रिया खाएगी सारा दाल दाल, कैसे खाएगी रिया ऐसे खाएगी, एक बार और बता। तो रिया के लिए आ गया फ्राइड राइस और मंचूरियन, ठीक है हो जाएगा आज के लिए आधे घंटे के लिए। हाँ तू ही बोल, नहीं बोल के लिए लड़ाई हो रही है देखो, और मैं जा रहा हूँ पैदल घर। हाँ ये देखो बटा ले रिया, चलो डन, और हम चल दिए पैदल, थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे, खाना वाना भी हजम हो जाएंगे, और खाना हजम होते हैं, अरे खाना हजम करते हैं और मिलते हैं घर पे। रिया आ गई तो साइड में से, क्या तो नहीं गई बेटा, अभी जल्दी जाना है, क्या कुत्ता काट लेगा, अभी तो घर के आप पे सामान ले रहे थे ना तुम चाबी। ये रौनक जी ने साइकिल भी निकाल ली, अभी तो आया नहीं, जल्दी साइकिल भी निकाल ली। ये टायर घिस ले, घिस टायर है ना, खराब हो जाएगी ये, समझ गया।
और ये कुछ हमारे यहाँ काम चालू है सीवर का। चल इसको अंदर कर। कभी साइकिल, कभी रेस्टोरेंट में खाना, कभी चॉकलेट। हाँ क्या हुआ? जल्दी चलिए घर पे। बोल। अभी आगे हम लोग घर और आज शाम तक ही खाने लग गया चॉकलेट। अभी खाना खा क्या है और अभी खा रहा है चॉकलेट। और हम तो लेट गए अभी क्योंकि आज हम थक गए चांदनी चौक में। देखो जी आते ही जो शॉपिंग करके लेके आए। टेस्टिंग चालू होगी। टेस्टिंग देखा रहा हूँ। टेस्टिंग होगी हमें चालू करेगी। क्या देख रही हो ना साइज? क्या देख रही है साइज? देखो से देखो तो साइज तो वहाँ भी चेक करके लाइए तू। ये देख इसे दिखा देना। ये देखो अब कुछ नहीं आएगा। ये तो और बस की नहीं है। अबे क्या कर रहा है? डब्बा है यार मुड़ने वाला है आने रहा इसमें छोटा डब्बा इसके हिसाब से देख पहले पता नहीं कैसे रखा। अरे रुक जाओ ना सुन मैं दे दूँ यार चल तो से ना पाए गए। आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? क्यों मिला फोन? हेलो आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? क्यों मिला फोन? नंबर आया कहाँ से? ओहो बहुत बड़ा राष्ट्रपति है। तो गाइस देख लो राष्ट्रपति का फोन है। कैसे बोल रहे हैं? बिजी है वो। देखने में पड़ रहा है। नहीं यार काम कर रहा स्कूल। काम कर रहा है वो तो क्या कर रही है? ठीक है। हाँ सरी गाइस नंबर ही विल ले लो फोन मारना। नंबर दे रहा है इसका नंबर है अंश अंश अंच का नंबर है। मेरा नंबर ये यार उसके दोस्त का नंबर। देखो लो देखो देखो लो देखो लो। तो देखो आरुष की बढ़िया वाली राइटिंग। तो बच्चा होशियार हो गया पढ़ने में। अच्छे से कॉपी मार ही लेता है।